आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और लगातार प्रदर्शन के माध्यम से अपना नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार के शिक्षक विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये ट्वीट करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी कृपया धैर्य रखें, और साथ ही उनका कहना है कि कृपया भरोसा रखें, जुलाई के अंतिम और अगस्त के पहले हफ्ते तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कार्यों पर, कृपया थोड़ा धीरज रखें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुमकिन नहीं है कि हम हर किसी के मैसेज और कॉल का रिप्लाई दे पाए, परेशान न करें। साफ अपने ट्विटर हैंडल पर हाथ जोड़ते हुए ये बातें कही हैं। कृपया मैसेजेस ना भेजें, हम सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए और डिपार्टमेंट के सारे लोग यहाँ तक लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि आप सभी काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, आपका ये इंतजार जल्दी खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की रिक्रूटमेंट अभी भी चल रही है, उसके साथ ही हम लोग आगे के राउंड की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर पाएं। तब तक के लिए मैं ये आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग मिले और चीजें शांतिपूर्वक खत्म हो। आइए देखते हैं दीपक कुमार सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है। वी कांट रिप्लाई टू इंडिविजुअल क्वेरीज और मैसेजेस टिल अ फाइनल डिसीजन इज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। हेंस रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स नॉट टू सेंड मीम और मैसेजेस। Whether or not you believe it, the entire department under the leadership of Honorable Minister is working day and night to complete all the processes and notify rules so that the next round of recruitment is transparent and smooth and takes care of concern of candidates. We are trying to accommodate as far as possible the demands and issues raised by various candidates meeting us individually or in groups. We are trying to find optimum balance between the interest of quality education and the employment needs of suitable candidates. Requesting all of you to have faith in the department. We know that you have waited for long, but we can only assure you on behalf of the department that we will not make you wait even a single day more than what is needed to complete the roster clearance modification in rules, preparing and testing portals, etc. As you all know, previous round of recruitment in both secondary and primary is still going on, but we are parallelly doing all preparations for next round so that we can notify it as soon as the ongoing round is over. Hope you will appreciate our concentrates also. ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। नमस्कार।